हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौरिया स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। आज इलेक्ट्रिसिटी का ये विद्युत जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 12, इसका डे 4 है, चौथा क्लास है। तो जो जो 10th के विद्यार्थी हैं, एक बार इस वीडियो को सबको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डे 4 में क्या करने वाले हैं, तो इसका न्यूमेरिकल बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे। पहला और दूसरा और तीसरा क्लास में इसका काफ़ी सारा थ्योरी भी पढ़े थे, जिसमें तीसरा क्लास में हम लोग, आप लोग देखे भी होंगे, हम लोग पूरा न्यूमेरिकल का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किए थे, है ना। तो ऑफलाइन के सारे बच्चे तैयार हैं आप लोग? yes, चलिए, जितना भी कॉन्सेप्ट बढ़ाए थे एक बार आप लोग याद कर लीजिए। कूलम्ब्स लॉ में याद करो, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। अच्छा, क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे एक बार जल्दी से देख लेते हैं ना। एफ बराबर आप लोग क्या पढ़े थे, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर। याद करो, एक फॉर्मूला पढ़े थे वी इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ से तीन फॉर्मूला याद करो, उसके बाद फिर पढ़े थे, याद करो, I बराबर क्यू बटे टी। एक पढ़े थे H बराबर W, बराबर क्या पढ़े थे, I स्क्वायर R इंटू टी। इतना ही तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, और इसी पर बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल को अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो चलिए तैयार हो जाइए फटाफट। जो जो बच्चे का पहला दूसरा तीसरा क्लास छूट गया, एक बार जाइए पीछे वीडियो पढ़ा होगा, सबको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि बीच में जो बच्चे आएंगे उसको थोड़ा सा तो दिक्कत रहेगा ही। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिक पावर भी समझ लिए थे, है ना। yes, चलिए आगे आज की क्लास में हम लोग का न्यूमेरिकल ही होगा। विद्युत फ्यूज भी पढ़ लिए थे, ठीक, ये सवाल भी हो गया था, ये सब भी हो गया था। ये क्वेश्चन, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी तो आ ही जाएगा। देखिएगा, पहले इस सवाल को बढ़िया से डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित करें। मतलब एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पर यही है, एक कूलम्ब आवेश मतलब वन कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, डैश इलेक्ट्रॉन, ये आपको निकालना। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 6.25 × 10⁻¹⁸, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। एक बात आप लोगों को बता दें, क्लास 9th में जब आवेश पढ़े थे आप लोग, तब बताए थे एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इतना क्या कूलम्ब, ये एक इलेक्ट्रॉन आवेश। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। एकदम सिंपल है, बड़ा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक कूलम्ब निकाल लेते हैं। एक ही नियम यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़े ही होंगे, तो हम लोग अगर एक कूलम्ब निकाल लेंगे तो ये जितना भी चीज़ है वो 1/2 नीचे होगा कि नहीं होगा, बोलिए। चलिए इस तरह लिखते हैं, चूँकि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ होगा, ये इतना इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये -19 को ऊपर ले जाते हैं, एक काम करो पॉइंट उड़ा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो गया 16, और ये जो नीचे में 10⁻¹⁹ है, समझिएगा ध्यान से, अगर हम इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं ऊपर, तो ये 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा +19, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस है, ये बात आप लोग जानते कि नहीं पहले से। चलिए अब देखिए, 16 से 10 में डिवाइड करना, हम लोग को डिवाइड करना, तो एक काम करते हैं, इस 10 को ना 100 बना देते हैं, और नीचे में क्या कर दिए 16। सर 100 कैसे बनाए, तो यहाँ 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹ मतलब 19 ठो 0 है इस पर, 100 इधर कर लिए, मैंने 1 ठो 0 इधर कर लिए, 10 तो ऑलरेडी था ही ना, 1 0 इसमें ले आए, तो यहाँ कितना बचेगा 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹ कितना बचेगा 18। चलिए अब 16 से 100 डिवाइड करिए, कितना बार में कटेगा, 16 × 96 कितना बच गया 4, यहाँ क्या रहेगा पॉइंट, यहाँ क्या रहेगा 0, 16 × 2 क्या आ जाएगा 32, कितना उतरेगा 8, या फिर पॉइंट के बदले में 0, 16 × 5 = 80। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग के पास ये वैल्यू आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸, इतना क्या आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन।
हमको एक कूलम बराबर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश में, एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर हम कहेंगे वन कूलम आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो बात क्लियर हो पाया? Yes, sir. तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इतना आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, तो एक कूलम में कितना, एक बटे फलनवा होगा कि नहीं, ये ऑब्लिक का मतलब क्या हो रहा है, बटे हो रहा है। अब यहाँ से हम इस 19 को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, अच्छा अभी लेके नहीं गए, यहाँ से पॉइंट उड़ा दिया तो ये क्या हो गया, 10/16, 10 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप जरा से यहाँ देखिएगा, ये -19 जो है इसको हम लोग उस पट्टी में देखिए ऊपर ले गए, पहले देखिए बटे के क्या था, ये बटे के क्या था, नीचे में, अब ऊपर ले जाएंगे तो 10, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 10⁻¹⁹, और नीचे में जो 16 है ये आपका 16 नीचे हो गया। बात क्लियर हो पाया? अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आपका 10 जो है इसमें 19 में एक दे दिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 18, यहाँ 100, बटे क्या हो गया, 16। अब इसको सॉल्व किया तो आप लोग देख ही लिया आंसर इतना। बोलो बात क्लियर हो पाया आप लोग से? कोई दिक्कत? चलिए एक बार आप लोग इसको खुद से बनाइए, ठीक है, नोट करिए अपने कॉपी में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये अब हम लोग पढ़ेंगे आज कॉम्बिनेशन, संयोजन पढ़ेंगे। कोई भी चीज हम लोग घर में जो जोड़ते हैं, ये सब चीज दो तरह से जोड़ते हैं। बताइए किसी भी चीज को कितने तरीके से संयोजित करते हैं, दो तरीके। एक तो हम लोग कहते हैं श्रेणीक्रम संयोजन, क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम, और एक तो हम लोग कहते हैं समानांतर। देखो श्रेणीक्रम संयोजन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और समानांतर क्रम को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग जितना भी तार वगैरह, जितना भी सॉरी बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या फिर जो भी चीज़ जोड़ते हैं अपने घर में, तो दो तरह से संयोजित करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं समझना, कौन समानांतर और कौन श्रेणी। समानांतर में क्या होता है, सपोज करो ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें आपका बहुत सारा सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है, और इस सॉकेट से आप क्या कर रहे हैं, बिजली निकाल रहे हैं, एक से बल्ब जला रहे हैं, एक से टीवी चला रहे हैं, ठीक है, बोलिए, एक से हम लोग क्या चला रहे हैं, बल्ब, एक तो से टीवी चला रहे हैं, एक तो से पंखा चला रहे हैं। तो देखिए सारा का सारा अलग अलग करंट निकल रहा है ना सब में, तो ये जो संयोजित किए हैं ये हम लोग का है समानांतर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ में गया। अब आप लोग देखिए जरा सा इमेजिन करिए, वो जो लीची बॉल वगैरह आप लोग देखे हैं, झालर वाला जो होता है, तो उसमें देखिएगा क्या होता है, एक तो बल्ब का दो सिरा होता है, तो एक तो देखिएगा सीधा रहेगा और दूसरा सिरा दूसरे बल्ब से जुड़ जाएगा, और फिर ये दूसरा बल्ब का दूसरा सिरा तीसरे बल्ब का पहला से, और फिर इसका दूसरा सिरा चौथे बल्ब के पहला से, इस तरह करके कनेक्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, तो इस तरह का संयोजन होता है। तो बोलो घर में जो पंखा लगाते हैं कौन सा संयोजन से, समांतर क्रम, बल्ब कौन सा संयोजन में, समांतर क्रम, पंखा बल्ब एसी टीवी जितना भी चीज संयोजित किए वो सब समानांतर क्रम है। जो लीची बल्ब वगैरह हो गया, या हम लोग का मोबाइल वगैरह में जो भी छोटा छोटा किट लगा हुआ होता है, वो सब किसको, वो सब किस तरह जुड़ा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए एक मिनट, चलिए हम लोग ना समझते हैं पहले श्रेणी क्रम को, बढ़िया समझते हैं, फिर इस श्रेणीक्रम संयोजन के लिए हम लोग ना फॉर्मूला भी निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसके लिए टोटल प्रतिरोध भी निकालेंगे, ठीक है, तीन प्रतिरोध को लेकर हम लोग इसको काम करेंगे, जरा समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा गया आपके एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा रहेगा श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित करें, ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन को समझाएं, इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें, ये बोल सकता सवाल, या श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें, एक विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध R1 ये R2 हो गया, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पर तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध है, बोलेगा इसको श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है, तो इसके लिए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। कुल मिला के इंग्लिश में हो गया, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला।
क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या, जरा इस चित्र को देखिए, सबको ध्यान से देखिए। ये फिगर आपको खुद बनाना है, ठीक है? सिंपल सा, यहाँ कोई बैटरी है, नीचे देखिए कोई क्या है, बैटरी। यहाँ पर आपका क्या है, कुंजी। ये ए मतलब क्या होता है, एमीटर, और ये भी मतलब पढ़ाए थे वोल्ट मीटर, जिससे हम लोग विभवांतर इससे ज्ञात करेंगे, और इससे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, करंट। कितना करंट जा रहा है एमीटर बताएगा, कितना वोल्टेज जा रहा है वोल्ट मीटर बताएगा। बात क्लियर है? चलिए देखिए, आपके पास है ये कोई प्रतिरोध, जिसको हम लोग पहला प्रतिरोध कहेंगे, इसका सिरा इधर से इधर निकल गया। ये हम लोग का दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, और ये हम लोग का हो गया तीसरा प्रतिरोध। तो तीन प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध का नाम हो गया R1, R2, R3। ये तीन प्रतिरोध आपके पास है, R1, R2 और R3। समझिएगा ध्यान से, ये जो R1 प्रतिरोध है, इसमें जो सॉरी विभवांतर है वो क्या है, V1। R2 में कौन है, V2, मैंने R2 प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करने के लिए V2 लगाया है, और तीसरा प्रतिरोध को का इसका विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग V3 लगाए हैं। यानी तीन को वोल्ट मीटर है आपके पास, एक V1, V2, V3। याद रखिएगा, जो वोल्ट मीटर होता है वो समानांतर में जुड़ा होता है, कैसा होता है, समानांतर, कैसा जुड़ा होता है, समानांतर। और एमीटर है वो श्रेणी में जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा बहस इसमें करना हम लोग को, फिलहाल ये समझिए, ये जो आपका पहला प्रतिरोध था, इसका ये पहला सिरा, और ये क्या हो गया, दूसरा सिरा। ये दूसरा प्रतिरोध का कौन सिरा हो गया, पहला सिरा, और ये क्या हो गया, दूसरा सिरा। और ये कौन सा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा। डेफिनेशन कितना आसान है, समझो कितना आसान है, इतना इजी है कि आप लोग खुद से एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जब किसी पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ दिया जाए, नहीं समझ पाए, एक बार बोलो ना, समझ में आया, आँख कान सब खोल के बढ़िया से देखो, समझो। जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, परिभाषा याद हो गया हो? जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन को, इस प्रकार का संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है कि नहीं है? एक बार परिभाषा चलिए देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कितना सिंपल, यही चीज एकदम डिटो लिखे हैं। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये सपोज करिए आपके पास ये पहला प्रतिरोध हो गया, इसका दूसरा सिरा हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसका पहला सिरा, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरा प्रतिरोध का, ये कोई तीसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा से जोड़ दिए, तो इस तरह का जो भी संयोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम, ठीक है, जोड़ी जाए तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, जिसके बीच का विभवांतर क्रमशः क्या देखे आप लोग, V1, V2, V3। क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक बार इंग्लिश में देखिए तो कितना सिंपल है। व्हेन द सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकेंड टर्म मतलब दूसरा सिरा, किसका, फर्स्ट रेसिस्टेंस का, इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस, मैंने दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, एंड द अदर टर्म ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस, यानी सेकेंड रेसिस्टेंस का कौन सा सिरा, दूसरा सिरा, थर्ड रेसिस्टेंस का पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मान लिए थे तीन प्रतिरोध, लेट थ्री रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इस तरह अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ बोलता है रिस्पेक्टिवली सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम V1, V2 एंड V3। यहाँ तक किसी को इंग्लिश हिंदी में दिक्कत, चलिए एकदम प्योर पाइन लैंग्वेज वाला एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। अब चलिए, आप लोग पढ़े थे ओम का नियम, ओम्स लॉ पढ़े थे क्या? अगर हम
अगर हम इसमें देखेंगे, बोलिए किसी को दिक्कत है, किस चीज को, क्या चीज, ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में तो समांतर रहेगा ही, देखो इसके समानांतर में, इसके समानांतर में, इसके समानांतर में, कहाँ लिखे यहाँ देखिए, क्या लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम वी वन वी टू एंड वी थ्री, कहाँ बोले कि वो श्रेणी में जुड़ा, वो लिखे श्रेणी क्रम में कौन है, प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में कौन है, वोल्ट मीटर से कोई मतलब नहीं है, बोलो ना रही, अभी हमको वोल्ट मीटर से सिर्फ उसका वोल्टेज निकालना है, इसका वोल्टेज वी वन, इसका वोल्टेज वी टू, इसका वोल्टेज वी थ्री, अब देखो यहाँ से करंट जा रहा, तो करंट का क्या होता है, आई आई करंट घुसा, सब में आई करंट घुस के फिर इधर से निकल गया आई करंट, बोलो हाँ या ना, तो जैसे ही करंट जाएगा तो इसमें वोल्टेज नहीं जाएगा, देखो ओम का नियम से, बाय ओम्स लॉ वी वन इज इक्वल टू, बोलो भाभी आई आर पढ़ाए थे, तो पहला है, पहला वोल्ट मीटर है, समझो ध्यान से, तो वी वन होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या है, आर वन, लेकिन करंट यहाँ क्या घुसा है, आई घुसा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, इक्वेशन क्या हो गया, वन, दूसरा प्रतिरोध में चलिए, दूसरा रेजिस्टेंस में चलिए, प्रतिरोध क्या है, आर टू, करंट तो आई ही घुस रहा है ना अभी, बोलो हाँ या ना, तो करंट कुछ नहीं हुआ, ये वी टू सेकेंड वाला में, वी टू बराबर क्या हो गया, आई आर टू, आपका आई परिवर्तन नहीं हुआ है, अब वी थ्री बराबर आई आर थ्री, समीकरण एक दो और तीन, तीनों को जोड़ दीजिए, समीकरण एक और दो तीन, तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो एल एच एस वाला एल एच एस की ओर, आर एच एस वाला आर एच एस की ओर, बोलो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, बोलो होगा कि नहीं होगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझना ध्यान से, ये एग्जाम में पूछेगा नो डाउट, अगर ओम का नियम नहीं पूछा तो ये इसमें या तो पैरेलल पूछ लेगा या तो सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ लेगा, दोनों में से एक फिक्स है, ओम्स लॉ के ऑप्शन में यही रहेगा आपका, और इससे न्यूमेरिकल तो फिक्स रहेगा, एक न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, अभी दिखाते हैं न्यूमेरिकल कैसा रहेगा, सर जरा सा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, वी वन वी टू वी थ्री ये तीनों तो है ही, यहाँ देखो यहाँ आई यहाँ आई यहाँ आई, तीनों से आई को ले लिए कॉमन, तो आई कॉमन आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अब हम लोग फिर से जानते हैं भी जो भी विभवांतर यहाँ पर वी वन जा रहा वी टू जा रहा वी थ्री जा रहा जितना भी वोल्टेज जा रहा कुल मिला के टोटल वोल्टेज को हम लोग वी नहीं कह सकते क्या, क्योंकि सब प्रतिरोध क्या है, एक है, सब प्रतिरोध एकदम एक समान इस तरह जा रहा है, तो सबके बीच का विभवांतर अगर हम तीनों का वोल्टेज को तीनों का विभवांतर को जोड़ दे तो वो वी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वी के बराबर, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री को क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ये क्या हो गया आई, ये क्या हो गया आर वन आर टू आर थ्री, इसको मान लीजिए समीकरण चार, और फिर ओम का नियम याद करो, ओम सुनो, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं वी बराबर क्या होता है, आई आर, क्योंकि यहाँ ये जो पहला सिरा है इसको हम लोग x बोले, इसको क्या बोले अंतिम में y, तो x और y के बीच में अगर हम देखेंगे x और y के बीच में टोटल विभवांतर v हो और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल v1 v2 v3 मिला के क्या हुआ v, और करंट क्या जा रहा I, अगर v वोल्टेज है विभवांतर है और I करंट प्रवाहित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ओम का नियम से v इक्वल टू I इनटू R, मतलब यहाँ से लेके वहां तक टोटल टोटल रेसिस्टेंस या टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा आई आर होगा कि नहीं होगा, अब देखो यहाँ जो आपका V है इस V के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे आई आर, देखो ये जो V है इस V को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ओम के नियम से बोलो, तो यहाँ पर जैसे ही हम V के जगह पर ये जो V है इस V के जगह पर आई इंटू आर पुट कर दिए, तो देखिए आई से आई गई, आई से आई गई तो बच कौन गई आर, यहाँ आर वन, यहाँ यहाँ पर क्या बचेगा आर थ्री, यही हो गया आप लोग का नेट रेसिस्टेंस कुल प्रतिरोध या आप जो समझिए, कोई दिक्कत, अगर तीन प्रतिरोध जुड़ा हुआ है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इसका नाम है आर वन, सर वहाँ पर पेन है दीजिएगा जरा सा, ऑफिस में ही रह गए, ये आपका है दूसरा R2 और ये तीसरा है R3, अगर इस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका टोटल प्रतिरोध को हम लोग या तो R बोलेंगे या तो R नेट बोलेंगे, कभी देखिएगा बुक में आपका R नेट लिखा रहेगा, मतलब कुल प्रतिरोध, या तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे R, R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3,
यही चीज को प्रूव कर दिए यहाँ पर हम। ये आपका डेरिवेशन जो है एग्जाम में पूछिएगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर दो ही प्रतिरोध रहता तो सर क्या होता? ये अगर R1 है और ये सपोज दैट R2 है, यहाँ पर हम लोग का कोई बैटरी जुड़ा हुआ है इस तरह का, बाकी यहाँ तो कुंजी होगा ही होगा, इसके बाद यहाँ पर जो एमीटर है वो होगा ही होगा, इसके बीच का विभवांतर क्या होगा? V1, इसके बीच क्या हो जाएगा? V2। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर यहाँ चार गो रेजिस्टेंस रहता तो R1, R2, R3, R4, पांच गो रहता तो R5, छह गो रहता, सबको क्या करना है? जोड़ देना। जितना भी प्रतिरोध, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा, सबको सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लोग का नेट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, एग्जाम में आपको दो तीन चार पाँच कुछ भी दे सकता, ठीक है। बाकी हम लोग अभी एक एक करके कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ रहे हैं, फिर देखिएगा मजा आएगा। दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको कर सकता है। इस संयोजन को जरा सा गौर से देखिए, इसको हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम। देखने से ही पता चल रहा है इस रेजिस्टेंस का ये पैरेलल में है तीनों, समानांतर तो समझ रहे, एक 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 ऐसे, ठीक है। तो मान लेते हैं घर में हम लोग पंखा चला, यहाँ से पंखा चल रहा, यहाँ से बल्ब चल रहा, यहाँ से हीटर चल रहा, यहाँ से कूलर चल रहा, बहुत सारा अलग अलग चीज़ हम लोग जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, बहुत तरह का चीज़ जला रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग एक ही जगह से क्या करते हैं? अलग अलग तार निकाल के चलते हैं, इसलिए इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जरा समझिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता कैसे है, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। बड़ा सिंपल, एकदम अपना आप घर में जिस तरह का कॉम्बिनेशन किए हुए हैं उसी चीज़ को फील करिए। ये मान लेते हैं आपका पंखा, ये मान लेते हैं आपका बल्ब और ये मान लेते हैं आपका एसी। ये तीन चीज़ें बेसी बोल दिए क्या? ठीक, अच्छा सर समझिएगा, पहला प्रतिरोध का ये कौन सा सिरा? पहला सिरा। ये दूसरा प्रतिरोध का? पहला सिरा, पहला ही तो है। और ये तीसरा प्रतिरोध का? पहला सिरा। अगर चार पांच और रहता तो सबका पहला सिरा, नहीं समझ पाए? पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, एक साथ जोड़ दीजिए। नहीं समझ पाए? तो हम लोग बोर्ड में क्या करते हैं? बोर्ड में देखो यहाँ से क्या किए, डिजिटल बोर्ड चला रहा है, यहाँ से ट्यूबलाइट चल रहा है, यहीं से फिर दूसरा चल रहा है, यहाँ से फिर तीसरा चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझिएगा ध्यान से। तो जब किसी भी एक ऐसा संयोजन जब पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुड़ी हुई हो तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ी हुई हो, समझ में आ रहा है? देखिए समझिएगा, व्हेन द सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड रेसिस्टेंस ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेकेंड टर्म ऑफ थर्ड रेसिस्टेंस। मतलब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, तीनों को क्या किए? एक साथ जोड़ दिए। और पहला सिरा क्या कर दिए? एक साथ जोड़ दिए। देखिए आगे लिखे, फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू ईच अदर, पहला सिरा को क्या किया? एक साथ जोड़ दिए। दूसरा सिरा क्या कर दिए? एक साथ जोड़ दिए। तो इस तरह का कनेक्शन को, इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी में एक बार बढ़िया समझिए, जब किसी परिपथ में पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहला सिरा को एक साथ और दूसरा सिरा को एक साथ। देखो लिखें, इन प्रतिरोध का दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम। एक बार इस फिगर को देखिए, डेफिनेशन मत देखिएगा, यहीं से एक बार बढ़िया से रिकॉल करिए इस डेफिनेशन को, कोई रटने उठने वाला बात है ही नहीं। देखो क्या है, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का कैसा जुड़ी हुई हो? एक साथ, तथा दूसरा सिरा कैसा जुड़ा हुआ हो? एक साथ। तो इस तरह का संयोजन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, करंट यहाँ से हमको मिला, ये करंट तीन भाग में बट गया। पहला भाग में गया तो इसको हम लोग बोलेंगे I1, दूसरा भाग में गया तो I2, तीसरा भाग में गया तो I3। देखो तीनों अलग अलग भाग में चला गया ना करंट,
तब देखो जैसे ही हम लोग का यहाँ देखेंगे तो इसके बीच का वोल्टेज देख लेंगे, इस सिरा ए से लेके बी तक के बीच में वोल्टेज मान लेते हैं क्या होगा, वी। वोल्टेज क्या हो गया, वी। उसमें देखिएगा उसमें वोल्टेज अलग अलग था, करंट सीधे गया था, इसमें करंट क्या हुआ है अलग अलग चला गया, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें वोल्टेज ए से लेके बी तक में हम टोटल एक बार में वोल्टेज निकाल लेंगे, समझिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं माना तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 क्रमशः समांतर क्रम में संयोजित किया गया, इसके बीच का धारा क्या है I1 I2 I3 है कि नहीं है? Yes, sir। तथा हम कह सकते हैं अगर ये जो I करंट है वो टोटल इधर से तीन भाग में बटा है, जिसका मतलब I ही है जो I1 के रूप में प्लस I2 के रूप में प्लस I3 के रूप में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। बोलिए। चलिए अब जरा सा समझिएगा, ओम के नियम से वही चीज इंग्लिश में भी लिख दिए। अब ओम के नियम से I1 बराबर, अगर हम पहला प्रतिरोध का अगर हम सॉरी पहला प्रतिरोध में देखें, पहला प्रतिरोध में देखें कितना करंट गया, I करंट गया, तो उसमें I करंट अगर गया, याद करो पिछला फिगर में क्या गया था, V1 V2 V3 अलग अलग हुआ था, इसलिए वहाँ V1 V2 V3 का मान निकाले थे। अरे बोलो इसमें क्या हो गया, I1 I2 I3, इसलिए किसको निकालेंगे, I1 I2 और I3 इसको निकाल लेंगे। ओम के नियम से I बराबर V बटे R पढ़े ही थे, तो देखो I1 अगर हम निकालते हैं तो I1 बराबर V बटे वोल्टेज, तो इसके इसके बीच में क्या होगा, V ही होगा, वोल्टेज V होगा, पहला प्रतिरोध है तो ये क्या हो गया R1। अगर हम I2 निकालें, I2 में कौन सा प्रतिरोध है, R2, वोल्टेज क्या है, V, तो V बटे R2, I बराबर क्या होता, V बटे R, तो अगर I1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा R1, अगर ये R2 होगा तो ये क्या होगा, ये अगर I2 होगा तो ये हो जाएगा R2, और ये I3 तो ये क्योंकि I3 किस में है, R3 में है। नहीं समझ पाए बात को? अब देखिए I3 is equal to V बटे क्या हो गया, R3, समीकरण ये तीन, एक दो तीन तीनों हम लोग के पास समीकरण हो गया। अब हम बस उसी तरह जिस तरह उसमें किए थे एक और दो और तीन को जोड़ने पर, तो बस जोड़ रहे हैं, समीकरण एक को जोड़ेंगे दो को जोड़ेंगे तीन को जोड़ेंगे, तो LHS वाला I1 plus I2 plus I3, बोलो क्लियर है? Yes, sir। ये तो उसी तरह कर रहे हैं ना? Yes, sir। इधर देखो V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3, तीनों को जोड़ दिए। Yes, देखो ऐसे एक्चुअल में किसी बच्चा का अगर कंफ्यूज हो जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अपने से फिर से सॉल्व कर देते हैं, I1 plus I2 plus I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। थोड़ा होता है क्या जब हमको उतना ज़्यादा अच्छा टाइपिंग करने आता नहीं तो इस तरह ऑब्लिक देके मतलब सहूलियत से काम निकाल लेते, और जो फ्रैक्शन बटे देना पड़ता थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, खैर चलिए, I1 plus I2 plus I3 को शुरू में ही हम लोग क्या बोल दिए थे, I, तो देखो I बराबर I1 I2 I3, इसका मतलब I1 I2 I3 को क्या लिख सकते हैं, I, तो I लिख दिए। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 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 तीनों से क्या कर लिए कॉमन, तो वन अपॉन आर वन प्लस वन बटे आर टू प्लस वन बटे यहाँ तक किसी को दिक्कत, बड़ा मस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा नहीं तो फिर मेरा नाम बेकार। ठीक है, अब जरा देखिएगा हमको ना क्या करना है, इस आई के बराबर क्या जानते हैं, आई के लिए ओम का नियम याद करिए फिर से, आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर, तो क्या इस आई को हम लोग वी बटे आर कर सकते हैं, यहाँ वन बटे आर वन, वन बटे आर टू, वन बटे आर, सबको क्लियर, वी से भी क्या होगा, यहाँ क्या बच गया, वन बटे आर, वन बटे आर वन, वन बटे वन बटे, पक्का यही हो गया हम लोग का टोटल रेसिस्टेंस, किसका, समांतर क्रम संयोजन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला यही बन गया, अगर तीन प्रतिरोध है तो वन बटे आर वन प्लस वन बटे आर टू प्लस वन बटे आर थ्री, अगर चार गो रहता तो कर देते हैं वन बटे आर फोर, पांच गो रहता तो क्या करते हैं वन बटे आर फाइव, ये वन बटे बटे में रहेगा हमेशा, अगर समांतर क्रम संयोजन रहेगा तो एक बटे आर वन, एक बटे आर टू, एक बटे आर थ्री, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो डायरेक्टली आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये बात क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके डायरेक्टली आंसर भी ले आए हैं, ठीक है, ये देखो वन बटे आर इजकल टू वन बटे आर वन आर टू, एकदम सेम टू सेम है,
समीकरण में हम लोग देखो पढ़े थे आई बराबर वी बटे आर। तो ये जो आई है, यहाँ जो आप आई देख रहे हैं, आई बराबर आई को क्या लिख सकते हैं, वी बटे आर। तो वी से वी क्या हुआ होगा, कट गया, या ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर भी था ना, अभी भी रहने देते, अब भी और भी क्या होता, कट जाता, समझाया, तब बचता वन बटे आर, वन बटे आर वन, वन बटे आर टू, वन बटे आर थ्री, यही हो गया आपका प्रूफ। किन्हीं को डाउट है क्या, अगर है तो प्लीज़ एक बार पूछिए, पूछे बिंदास से, क्योंकि हमको लगता है कुछ कुछ बच्चे को डाउट रह गया होगा, मे बी जो क्लास एब्सेंट वगैरह किए होंगे इस तरह का, पूछे किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछिए, एकदम पूछिए, कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछिए, सर ये कैसे किए, वो कैसे किए, यहाँ कैसे हुआ, वहाँ कैसे हुआ, लो छोटा कर देते हैं, पूछिए, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो शायद एग्जाम में पूछेगा, तो मेरे ख्याल से हमको पूरा क्लियर करना चाहिए। सबको क्लियर है, सच में पक्का है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद भी ज़्यादा दिक्कत रहे तो एक बार वीडियो को क्या करिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, देखो रिवीजन के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, नोट्स तो अभी मिला नहीं आप लोग को, है ना, तो आप लोग, हाँ मिल गया, टेलीग्राम पे भेज दिए नोट्स वैसे हम, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर और रहेगा, क्योंकि क्या फील रहा क्लास का वो फील आपको मिलेगा। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल बड़ा प्यारा सा सवाल है, एकदम डिट्टो जो आपका न्यूमेरिकल, अभी जो आपका डेरिवेशन सॉल्व किया उसी डेरिवेशन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, श्रेणी क्रम मतलब क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो तीन तो आपके पास रेसिस्टेंस है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ठीक है। इस संयोजन यानी इस कॉम्बिनेशन के लिए समतुल्य प्रतिरोध मतलब नेट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, यदि परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया जाए तो इसमें परिपथ प्रवाहित, इस परिपथ में प्रवाहित धारा मतलब आई भी पूछ रहा, पहले तो आर पूछ रहा क्या होगा, क्या पूछ रहा, आर, और फिर क्या पूछ रहा, आई। तो चलिए आर मतलब कुल प्रतिरोध, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हो गया आपका आंसर, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्यों, जब ये श्रेणी क्रम में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध को सिंपली क्या करना है, जोड़ देना, समझ रहे हैं आप लोग सबको, ये तो नॉर्मली हम लोग जोड़ दिए 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, टोटल कितना हो गया 10, ये हो गया मेरा नेट रेसिस्टेंस। जोड़ा कैसा गया देखो, ऐसे किसी चीज को फील करिए, प्रतिरोध क्या होता है, वही बॉल, वही पंखा, वही कुछ चीज, और इसमें कितना वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया है, 12 वोल्ट का बैटरी, ये 12 वोल्ट का कोई बैटरी है, इसका कितना है 2 ओम, इसका कितना है 3, और इसका कितना है 5 ओम। मान लेते हैं ये बल्ब होगा, ये पंखा होगा, और ये मान लेते हैं कूलर होगा, ये तीन चीज, 12 वोल्ट का बैटरी है, ओ सॉरी, खुश, चलिए बैटरी का नाम पूछ रहा है सर, हाँ बना सकते हैं, ठीक है, वरना बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल रहेगा जिसमें फिगर आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है। देखिए भी बराबर आर निकल गया ना, अब भी बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, हमको ओम का नियम से पता है आई निकलना है, तो आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर, भी कितना है 12, आर कितना है 10, 12 बटे 10, 1 जीरो उड़ाएंगे, 1.2, इतना क्या हो गया एम्पियर, नहीं समझ में आया, yes, sir। चलिए करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, एकदम रिलेटेड है, जस्ट अभी जो न्यूमेरिकल जो अभी डेरिवेशन आप लोग देखे सेकेंड वाला, ये सीरीज, उसके बाद ये क्या हो गया पैरेलल। क्वेश्चन समझिएगा, किसी विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध 2, 10 और 30 ओम किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम, समांतर क्रम बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका है संयोजित किया तथा इसके बीच 12 वोल्ट का विभवांतर मतलब भी वोल्टेज दे दिया, इसका कितना दे दिया है 12 वोल्ट। आगे देखिए निम्नलिखित को ज्ञात करें, इसमें तीन चीज निकालने बोल रहा है, पहला देखो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, मतलब याद करो फिगर बनाओ, फिगर बनाओ ज़्यादा मजा आएगा, ये हो गया पहला रेसिस्टेंस, ये हो गया दूसरा रेसिस्टेंस,
ये हो गया तीसरा रेसिस्टेंस, ये तीन रेसिस्टेंस है सर, इस तरह जुड़ा होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्योंकि कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए ये बैटरी कितना का है? 12 ओम। कोई दिक्कत? पहला प्रतिरोध कितना का है? 2 ओम। दूसरा कितना है? 7। तीसरा कितना है? 3। तो जरा बताइए इसके बीच में जो वोल्टेज यही ना है, यही टोटल वोल्टेज गया है, कितना गया है? 12। कोई दिक्कत? बोलो इसमें करंट कितना गया होगा? आई वन। इसमें करंट क्या गया होगा? इसमें करंट 3 को करंट होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब जरा देखो, अगर हम यहाँ से पहला क्वेश्चन को देखें, प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा यानी द करंट थ्रू इच रेसिस्टर, प्रत्येक परिपथ या प्रत्येक प्रतिरोध में कितना कितना करंट, उसमें आई वन, इसमें आई टू, इसमें आई थ्री। ठीक है, ऐसा जा रहा है। तो अगर हम I1 निकालें तो ओम का नियम क्या कहता है? I बराबर V बटे R, कहता कि नहीं कहता? Yes, तो ओम का नियम से I1 निकालिए तो V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3, V कितना दिया है? 12। R1 कितना दिया था? 12 बटे 2, 6 एम्पियर हुआ। V कितना है? 12। R2 कितना दिया है? 12 बटे 10, 1.2 एम्पियर होगा कि नहीं? 1.2 एम्पियर होगा, सॉरी। कोई दिक्कत? अगला देखिए, आई थ्री तो भी कितना हो गया? 12 बटे कितना हो गया? 30। अब डिवाइड कर लीजिए 0.4। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा, दो नंबर क्या सवाल बोल रहा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो बोलो यार, फिगर ही मिट गया, इधर आई वन गया, आई टू गया, आई थ्री गया, तो हमको कुल पूछ रहा, मतलब आई पूछ रहा, तो आई वन बराबर क्या होगा, सॉरी आई बराबर क्या होगा? आई वन प्लस, तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जरा समझना ध्यान से, आई वन आई टू आई थ्री 6 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और यहाँ है 0.4 एम्पियर। तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो, तीनों को ऐड करेंगे 6, 1.2 और 0.4, तो 7 क्या हो गया? 6 एम्पियर। उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए, परिपथ में प्रवाहित समतुल्य प्रतिरोध, अब ये कौन सा क्रम में जुड़ा है? समानांतर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में कोई जुड़ा रहे तो इसमें टोटल रेसिस्टेंस जो होता है 1 बटे R इज्कल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तीन ही को ना प्रतिरोध जोड़े थे। बोलो कितना कितना ओम का था? 2 ओम, 10 ओम, 30 ओम, यही तीन को है ना। यहाँ जो है 1 बटे R बराबर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 30। सबको ध्यान दे रहे हैं? डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा ये सब, आपको क्वेश्चन बैंक निकाल के दिखा देंगे, ये सब पूछा हुआ सवाल, इस मेरे नोट्स में जितना भी सवाल है सब डिटो पूछा हुआ सवाल, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। चलो बता दो यार, एलसीएम क्या हो जाएगा? जब भी फ्रैक्शन में होगा तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगा, सर एलसीएम लेना। जब भी कभी भी फ्रैक्शन में कुछ भी दिख जाए तो हमको क्या करना है? एलसीएम। सर एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 2 से कितने बार में? 10 से कितने बार में? और प्लस 30 से कितने बार में? 15 और 3 और 1 19, यानी 1/R बराबर 1/R बराबर हो जाएगा 19/30। लेकिन हमको 1/R नहीं चाहिए, हमको R चाहिए, कुल प्रतिरोध चाहिए। 1/R या R? R चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते या ऐसे करके घुमा देते, देखो तो R बटे क्या आ जाएगा? 1 बराबर ये जो 19/30 है ये क्या आ जाएगा? 30/30 नहीं होगा। yes, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देखिएगा R का वैल्यू क्या होगा? 30/19 आएगा, 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं है, तो 30/19 इतना ओम ये हो गया आपका आंसर, या तो 19/30 में डिवाइड करके देख लीजिए जो भी होगा आपका आंसर होगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, बड़ा मस्त न्यूमेरिकल है, सब छोड़ना नहीं कोई भी। अब आगे आप लोग आगे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ देखिए R बराबर इतना हो गया। आगे और कुछ पूछा है क्या? बस अगला सवाल। एक चीज़ याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम नोट्स में नहीं लिखे हैं लेकिन लिख देंगे अभी एडिट करके, ठीक है, नया नोट्स जो मिलेगा उसमें रहेगा। अगर कभी भी, समझिए ध्यान से, अधिकतम प्रतिरोध या न्यूनतम प्रतिरोध
न्यूनतम प्रतिरोध, ये हो गया हाईली रेसिस्टेंस, ये हो गया कम लोअर। जब भी हमको अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि अगर हमको आर नेट या आर निकालना तो क्या कर देते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो इसमें हमेशा हमेशा ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक है। अब जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अब एक काम करते, एक छोटा सा आपको प्रयोग बताता करके देखिएगा, सिंपल सा। तीन गो आप लोग एलईडी बल्ब ले लीजिएगा, या 100 वाट वाला बल्ब आता है वो ले लीजिएगा, तीन होल्डर ले लीजिएगा, तीनों को कनेक्ट करिएगा। सर कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, इधर ध्यान दीजिए सब कोई, बाद में सुनिएगा ध्यान से। अगर तीन बल्ब ले लिए, ये हो गया पहला बल्ब, ये हो गया दूसरा बल्ब और ये हो गया तीसरा बल्ब, ये तीन बल्ब है हमारे पास। इससे दो गो तार निकलेगा, इससे भी दो गो निकलेगा और इससे भी दो गो निकलेगा। आप इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ऐसे ऐड करके, यहाँ से एक तार निकलेगा, यहाँ से एक तार निकलेगा, इसको बोर्ड में कनेक्ट कर दीजिएगा, देखिएगा तीनों बल्ब ना पूरा जलेगा झकास। ऐसा सोच रहे ना आप, नहीं होगा, एकदम डिम लाइट जलेगा, बहुत कम, एकदम भुकर 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 पूरा कम कम लाइट जलेगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा। रेसिस्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा। हम क्या बोले थे, अगर प्रतिरोध किसी का बेसी होगा तो करंट क्या होगा? बोलो रही, तो क्या ज़्यादा वोल्टेज दे पाएगा? अगर तीनों बल्ब को हम लोग, आप आराम से इस प्रयोग को कर सकते घर में, तीनों प्रतिरोध को तीनों बल्ब को हम लोग कैसे जोड़ दिए हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मेरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और प्रतिरोध जब ज़्यादा हो जाता है तो उस दौरान हम लोग का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। बल्ब ज़्यादा जलेगा क्या? नहीं जलेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, घर में यही तीनों बल्ब को किस तरह जोड़ देते हैं? समांतर क्रम में। मैंने इसका दोनों तार बोर्ड में, फिर इसका दोनों तार बोर्ड में, फिर इसका दोनों तार बोर्ड में, अलग अलग जोड़ दिए, तीनों बल्ब एकदम झकाझक जलेगा। यहाँ देखिए कितना ट्यूबलाइट लगाया, चार जलाया, देखो एक तार सही गया है, लेकिन सब देखो एक तार का पहले निकला, फिर दूसरा का निकला, फिर तीसरा का निकला, फिर चौथा का निकला, बोलो हाँ या ना? सबका अपना अपना गया है और उसको बोर्ड से लेके आए हैं, एक तो मेन तार होगा ही ना, सबका देखो अलग कनेक्शन हुआ है, एक का माइनस प्लस, फिर दूसरा का माइनस प्लस, फिर तीसरा का माइनस प्लस, फिर चौथा का माइनस प्लस, इस तरह करके कनेक्ट किए, तो इस तरह का जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए सब लाइट क्या जल रहा है? झकास जल रहा है। क्लियर है? चलिए तो हमने क्या बताया अभी आपको, अगर हमको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो, अगर हमको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। अगर हमको न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो कैसे जोड़ेंगे? समानांतर। कैसे जोड़ेंगे? समांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ो, ये क्यों इतना ज्यादा हम बोले आपको, ये क्यों पता है, इसके पीछे का राज देखो। सवाल, 2 ओम 3 ओम 6 ओम का तीन प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो? कितना बोल रहा है? 1 ओम। भैया 2 है 3 है 6 है, सोच के देखो, अगर हम तीनों को डायरेक्टली जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 और 2 कितना हो जाता? 11। कितना ओम हो जाता? 11 ओम हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर 11 ओम हो जाता, लेकिन सवाल हमसे कितना पूछ रहा है? 1 ओम। तो बच्चा ना कन्फ्यूज, अरे लगता है सर का मिस्टेक हो गया है उसमें, एक ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ 1 ओम है, 1 ओम प्राप्त करना मतलब जितना भी हम लोग का दिया है रेसिस्टेंस का वैल्यू, जितना भी प्रतिरोध का मान दिया है वो सबसे कम करना, तो कम प्रतिरोध के लिए कौन सा क्रम? समांतर क्रम। देखो लिखे भी समांतर क्रम में जोड़ने पर R1 R2 R3, समांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे, दैट मीन्स इसका फिगर को थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए आप लोग, कुछ इस प्रकार होगा R1, फिर दूसरा होगा R2, फिर ये आपका तीसरा। देखिए ठीक है, R1 R2 R3, R1 कितना दिया है? 2 ओम। ये कितना दिया है? 3 ओम। ये कितना दिया है? 6 ओम। ठीक है, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और अगर प्रतिरोध कम होगा तो बहुत आसानी से क्या होगा, चीज चले। अब देखो ना, इसका अपना करंट चला गया, इसका अपना करंट, इसका अपना करंट, तो सबको तो अपना अपना करंट मिल गया, तो जब सबको अपना अपना करंट मिलेगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा जल्द करेगा, आराम से काम करेगा कि नहीं करेगा? चलिए
तो कनेक्ट कर दिए भैया, 1 बटे आर बराबर 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू प्लस 1 बटे आर थ्री। इसको भी डराइव किया ना हम लोग, एक बटे क्या हो गया आर वन के जगह पर दो, एक बटे तीन, एक बटे छ। एलसीएम ले लो, दो तीन और छः का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये वाला बात सबको समझ में आया? कोई कन्फ्यूज कर रहे हैं क्या? देखो सिंपली ये ऐसे है, एक बटे दो प्लस एक बटे तीन प्लस एक बटे छः, एलसीएम हो गया छः, दो तीन छः, तीन दूनी छः, छः एकम छः, दो तीन और एक बटे कट गया तो छः बटे छः कट गया एक ओम। बोलो क्लियर है? एक ओम प्राप्त करना था। अगर कम प्राप्त करना हो, कम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो कैसे जोड़ेंगे? समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ज्यादा प्राप्त करना तो सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन में। अभी आएगा सवाल, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है? चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। एक सवाल है आपके पास, एक क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, याद करो पढ़ाए थे एच बराबर या डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, याद करो क्या था? विद्युत हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उसमें ही प्रभाव पढ़ाए थे ना? जिसमें बताए थे जितना भी हीट रिलीज होगा वो उतना कार्य के बराबर होगा, इसका फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है? तो देखिए 20 ओम के प्रतिरोध का कोई स्त्री, स्त्री मतलब क्या हो गया आयरन, विद्युत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता स्त्री, विद्युत क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा, 20 ओम के प्रतिरोध का कोई स्त्री विद्युत 5 एम्पियर, सब सवाल समझो ऐसा, 20 ओम का कोई प्रतिरोध का क्या है, एक आयरन है जो 5 एम्पियर का क्या ले रहा है, विद्युत धारा लेता है, और इसको 30 सेकंड तक हम कनेक्ट करते हैं, 30 सेकंड तक जोड़ते हैं, तो उससे कितना ऊष्मा निकला होगा, कितना ऊष्मा निकला होगा? तो R बराबर 20 ओम, I बराबर क्या हो गया 5 एम्पियर, टाइम कितना दे दिया 30 सेकंड, हमको चाहिए कितना हीट रिलीज हुआ, तो आप W वर्क निकाल दीजिए या तो क्या निकाल दीजिए हीट, H निकाल दीजिए, बतवा दोनों बराबर ही होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाते हैं, I स्क्वायर R इंटू टी, बोलो I कितना है स्क्वायर होगा, R कितना दिया है, T कितना दिया है, गुना करना तो नहीं आता होगा, नहीं आता, तो देखो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 गुना गुना, हमको भी नहीं आता, 15,000 होता है, कोई दिक्कत? 15,000 क्या हो गया जूल, याद करो हीट या कार्य ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है? अब देखो चूंकि जो हीट वगैरह होगा इसको किलो जूल में बदलेंगे हम लोग, तो इसलिए जितना भी है 15,000 इसको 1,000 से डिवाइड कर दीजिए, 1,000 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या बन गया किलो जूल, किलो जूल में बदलने के लिए हम लोग 1,000 से डिवाइड करते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ा मस्त सवाल है एकदम डिट्टो, जितना भी न्यूमेरिकल दिए हुए सब का सब न्यूमेरिकल क्या है पूछा हुआ, क्या है तो क्या करना है, क्या करना है घर में सॉल्व करना है, ठीक है? खुद से सॉल्व करना, भूलिएगा नहीं। 500 ओम का एक विद्युत हीटर, कोई एक विद्युत हीटर है जिसका प्रतिरोध कितना है 500 ओम, आर बराबर दे दिया, बोलो रे yes, आगे क्या दिया है, इसको 10 एम्पियर का विद्युत धारा से कनेक्ट करते हैं, यानी यहाँ आई बराबर क्या हो गया 10 एम्पियर, कितना देर तक चला रहे हैं 2 मिनट तक कनेक्ट कर रहे हैं, 2 मिनट तक कनेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखी दी है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखिए, ये मिनट में इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड प्रति सेकंड में सब काम हो रहा, बोलो या ना, ये 120 सेकंड हो गया। हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है सर 2 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा को परिकलित करें, ठीक है? 2 मिनट में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो W या H बराबर आई स्क्वायर आर के, तो I कितना है 10 का क्या होगा, R कितना है 500 था ना, क्वेश्चन ही मिस्टेक है, चलिए हमको लगता है 50 ही होगा, ठीक है? बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम आपको जो नोट्स देंगे उसको एडिट कर देंगे, सही कर देंगे, इसमें थोड़ा सा देख गलती हो गया। चलो इतना हो गया हम लोग का 6,000 या 60,000, 60,000 1,000 से डिवाइड कर दिए, 1, 2, 3 0 ख़त्म, 600 किलो सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? एक अगला सवाल, अगला नंबर कर है सर अभी, अच्छा लास्ट ही है, क्या करें इसको छोड़ दें या फिर कल कर लें, करा दें? सवाल समझाते देखिएगा,
किसी परिपथ में 10 ओम 30 ओम 40, ये तीन प्रतिरोध है आपके पास। कितना कितना है? 10 ओम 30 ओम और 40 ओम, तीन प्रतिरोध है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ा गया। चलो बताने ही भूल गए थे हम, बड़ा ध्यान से उतर गया। पार्श्व क्रम को ही हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। बता रहे हैं पार्श्व क्रम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर क्रम, बोल गए थे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पार्श्व क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर क्रम या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। भूलिएगा क्या सवाल? सिर्फ देखो बात बदल दिया। अगर ये पार्श्व के बारे में आप लोग नहीं जानिएगा तो फिर ले लेगा ना सवाल, ले लेगा खपचा में। संयोजित की गई है तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आई दिया क्या क्या? R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, ठीक है। और बोल दिया समांतर क्रम में जोड़ा गया। पार्श्व मतलब क्या हो गया? समांतर क्रम। तो सबसे पहले R नेट निकालते हैं, कुल प्रतिरोध कितना हुआ? तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 सॉल्व कर दिए। यार थोड़ा सा हो गया यार सॉल्व, ठीक है। चलो देखो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर 1/R1 कितना है? 10^100 है। 100 कैसे लिखा गया? हे भगवान। चलो नहीं, जब नोट्स बना रहे थे ना वो करीबन 12-1 बज गया था, ठीक है यार, हम झुपकी मार रहे थे, पूरा नींद आ रहा था, ठीक है। नहीं नहीं वैसा बात नहीं है। अच्छा यार इतना अच्छे हैं, लगता है कि महुआ वाला दारू पियेंगे कभी? ब्रांडेड नहीं ना, वैसा कुछ है ही नहीं, कोई गलत इस तरह का कुछ भी नहीं करते। छी हाँ ग्लूकोन डी पीते हैं, दूध पीते हैं। चलो 1/ कितना हो जाएगा? 30। 1/ कितना हो जाएगा? बाकी सॉल्व करने का तो आ आइए आई गया आप लोग को, सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आर का मान नहीं निकल पाएगा। आर का मान निकल जाने के बाद फिर आपको क्या निकालना है? आई। धारा का मान परिकलित करने बोला, आई निकालना है। तो भी बराबर देवे किया, कितना दिया है? 12 वोल्ट। भी बराबर कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया। बस आई बराबर उनका नियम से क्या होता है? आई बराबर भी बटे आर। भी का मान पते, आर का मान निकालिए लीजिएगा, सॉल्व नहीं कर पाइएगा, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। अरे जोर से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ईमानदारी से बताओ, न्यूमेरिकल हार्ड लगा क्या? सच्ची में? पता है पिछला बैच में बच्चा लोग को इतना हार्ड लगा था, न्यूमेरिकल बोलता था सर बनबे नहीं करेगा। उसके पीछे एक ही रीजन था, बच्चा क्या किया था? क्लास एब्सेंट। तो देखो ये जो दोनों थ्योरी अभी तक आपको जितना भी फॉर्मूला बताते गए, देखो कितना फॉर्मूला आप लोग समझ गए। चलिए इसको समझते हैं, एक बार फटाफट रिकॉल कर लीजिए क्या क्या आप लोग पढ़े। तो आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े है ना? श्रेणी क्रम संयोजन में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन आप इसको कहते हैं, इसमें R बराबर क्या पढ़े? R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलिएगा ना, बोलिएगा क्या? फिर हम लोग पढ़े समांतर क्रम, क्या पढ़े? जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आप 1/R पढ़े, बोलिएगा नहीं, बच्चा भूलता है यहीं पर। 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। एक बार पढ़ा रहे थे, ठीक है, बच्चा क्या किया था? 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर दिया था। बोलो यार कितना होशियार है, ऐसा थोड़ी होगा। 1/R1 अलग है, 1/R2 अलग है, 1/R3 अलग है, बोलना है क्या? चलो ये हम लोग का हो गया समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट। इसमें क्या पढ़े थे? H बराबर या W बराबर I² RT। फॉर्मूला भूलिएगा है ना? यस और नो? यस सर। भूलिएगा कि नहीं भूलिएगा? नहीं भूलिएगा, वेरी गुड। चलिए अगला हम लोग क्या पढ़े थे? R बराबर क्या पढ़े थे? V/I। हाँ भुला गया, भाई नहीं 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 भाभी आई है, ये तो नहीं भूलेंगे ना। चलिए खैर यहाँ से R निकाल सकते हैं, V/I, ये कोई दिक्कत। उसके बाद आप लोग क्या पढ़े रे? आप लोग क्या पढ़े? I बराबर Q/T, यही तो पढ़े। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला पढ़े आप लोग? और कोई पढ़े क्या?
नो सर, कैसे? कूलम कॉन्स्टेंट। एफ इजकल टू के इंटू क्यू वन, क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर। और कुछ पढ़े क्या? तो बस इतना ही तो है ये चैप्टर, अब आखिरी पढ़ाओ मैं, ठीक है? और एक क्लास, और एक क्लास का वीडियो आएगा, ठीक है? उसके बाद ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म। बस न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लिया। आज बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल था, कल लेके आएंगे थोड़ा सा टफ, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। हम ये आपको प्रॉमिस कराते हैं, बिल्कुल भी हार्ड आपको नहीं लगेगा। अगर थोड़ा बहुत भी कोई दिक्कत या मशक्कत रह गया तो एक बार वीडियो आप लोग सबको फिर से रिवाइज करिएगा, ठीक है? कल का जो न्यूमेरिकल होगा बहुत मस्त होगा, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पीछे वाला कॉन्सेप्ट से डिपेंड लिया गया है, पूरा डिपेंडेड होगा। इसलिए एक बार पूरा ना इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोबारा, ठीक है ना? अगर ज़्यादा दिक्कत रह गया तो अभी ही वीडियो, या अभी या सुबह तक कल अपलोड हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है? तो चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। तो मेरे ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, बस आप लोग सब इसी तरह वीडियो देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, ठीक है? चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर बहुत तरह का बेस्ट क्वालिटी या कंटेंट देने वाले हैं तो वो सब आपको मिल जाए। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।